प्रदेश के योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने विवादित बयान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। साध्वी गीता प्रधान का कहना है कि इनके द्वारा ही बलात्कारियों को शह दी जा रही थी, कांग्रेस की सरकार में ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। दरअसल साध्वी हैदराबाद में हुए दुष्कर्मियों के एनकाउंटर पर अपना पक्ष रख रही थी। इन्होंने हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि चारों आरोपियों को तो जिंदा जला देना चाहिए था। जब से देश में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, इस तरह के आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के एनकाउंटर भी इसीलिए संभव हो पाया है और वो केंद्र की मोदी सरकार से मांग करती है कि जल्द ऐसा कानून लाया जाए कि बलात्कारियों को जिंदा जलाया जा सके, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा सके। जिस तरह से हैदराबाद में पुलिस ने जो है एक के चार आरोपियों को जो है एनकाउंटर करके मारा, क्या कहना चाहिए, किस तरह की प्रतिक्रिया है? इस विषय में मेरी प्रतिक्रिया जो है, जो प्रशासन ने, हैदराबाद के प्रशासन ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे बलात्कारियों को जिंदा जला देना चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं प्रशासन को बधाई देना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर इस तरह ही पूरे देश का प्रशासन इस तरीके की जिम्मेदारी अगर निभा ले तो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार नहीं होगा। और आज जो ये काम पुलिस ने किया है वहाँ की, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं वहाँ की प्रशासन को बधाई देना चाहती हूँ और माननीय अपनी सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि देश में ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं कि जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जिंदा जला दिया जाए और तुरंत जो है उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नहीं, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार होने के बावजूद भी उन्नाव में रेप कांड ऐसा हुआ, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या कहना है? जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, कानून व्यवस्था में पहले से सुधार हुआ है और हमारी जो सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है और उसका जीता जाता परिणाम आज हैदराबाद के प्रशासन ने किया है। मैं हैदराबाद के प्रशासन को बधाई देना चाहती हूँ और उन दोषियों का जो इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि जो आप ही की गांधी की जो केंद्रीय मंत्री है प्रियंका गांधी के द्वारा एक बयान, प्रियंका गांधी जी उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो ये सरकार ये जो करा गया है पुलिस की तरफ से, इसको वो ऑब्जेक्शन उठा रही है। वो कह रही है कि इस तरह से आगे और लोगों के भी हाथ को लेंगे, कुछ निर्दोषों को भी, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की सरकार ने ही ऐसे बलात्कारियों को शुरू से बढ़ावा दे रखा था, जो हमारे देश में आतंकवाद फैला हुआ था। ये जो बढ़ावा था, तो सोनिया जी और प्रियंका जी, इनका जो पूरा परिवार था वही बढ़ावा दे रहा था और इसीलिए आज ये आतंकवाद यहाँ तक फैल गया। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है और आतंकवाद को, अत्याचार को, भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को खत्म करने का हमारी सरकार ने काम किया है और उसका जीता जाता परिणाम आज हैदराबाद में आपको देखने को मिला है। आप खुद भी एक महिला है, किस तरह से देखती हैं, क्योंकि एनकाउंटर हो गया, लोगों में पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, किस तरह से आपका? मैं एक साध्वी हूं और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि जिन्होंने बहन प्रियंका के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, उनका एनकाउंटर हुआ है, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का समय है। मैं वहाँ के प्रशासन को फिर पुनः बधाई देती हूँ। यूपी के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, यूपी के अंदर ही। उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार है, हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। यूपी में भी इस तरह के एनकाउंटर शुरू हो जाएंगे? अगर यहाँ भी बलात्कार इस तरीके की घटनाएं घटाएंगे तो मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी ऐसा जरूर होगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।